इधर मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस का कई झटके लगने लगे हैं। वहीं मुरैना से कांग्रेस को बड़ी राहत भी मिली है। मुरैना महापौर शारदा सोलंकी ने साफ किया है कि वो अभी कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगी। पिछले दिनों मुरैना महापौर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। लेकिन महापौर शारदा सोलंकी ने बीजेपी में शामिल होने की बात का खंडन कर दिया है। शारदा सोलंकी ने ये भी कहा है कि वे बजट को लेकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करी थी और विकास अच्छे से हो सके। खबरें झूठी हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं कांग्रेस में हूँ, अभी कांग्रेस में काम करूँगी। मुलाकात भी की है आपने वरिष्ठ नेताओं से? सब लोग करते हैं वरिष्ठ नेताओं से। हमारा तो काम बजट के लिए गए थे, बजट है, सब सारे नेता मिलते हैं, सब नेता चर्चा चल रही है, तो चर्चाओं में रहते हैं, चर्चाएं तो होती रहेगी।